नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम सिंपल स्लीव कट कर लेंगे। देखिए, इसकी तैयार लंबाई हम 11 इंच इसकी तैयार लंबाई लेंगे, तो उसी हिसाब से हम 1.5 इंच कपड़ा इसका ज़्यादा लेंगे। 1 इंच इस तरफ, देखिए, हम तुरपाई के लिए लेंगे और 1 इंच, आधा इंच हम ऊपर की तरफ सिलाई के लिए लेंगे। तो नीचे की साइड आपको 3 इंच लेना है। जिस तरह आप सिंपल स्लीव कट करते हो उसी तरह से इसे कट कर लेना है। इस तरह देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए, इस पर हमें डिजाइन बनाना है। तो अब देखिए, इसे फैला लेंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे। जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हम बुकरम लेंगे। अब देखिए, इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डिजाइन की लंबाई हम 4 इंच, 4.5 इंच रखेंगे। आप इसकी अगर लंबाई थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहते हो तो 5 इंच तक ले सकते हो। देखिए, यहाँ से बराबर दूरी पर निशान बना देंगे और यहाँ से जो इसकी हम चौड़ाई लेंगे तो वो हम 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा ही लेंगे, 2 इंच से 2 पॉइंट कम लेंगे। और इस तरह देखिए, इसको शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे अच्छे से बना देते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच से 2 पॉइंट कम ली है और इसकी जो गहराई है वो हमने 4.5 इंच ली है। तो अगर आप थोड़ी सी डिजाइन बड़ी रखना चाहते हो तो 5 इंच तक ले सकते हो। देखिए, इसे हम कट कर लेंगे। देखिए, बाहर की साइड से भी हम आधा इंच इस तरह से आधा इंच लेते हुए कट करेंगे। इस तरह देखिए, कट करने के बाद ये इस तरह से आएगा। अब देखिए, इसको कपड़े पर इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे, कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए, हमने जो स्लीव पर भी सेंटर मार्क किया है तो देखिए ऊपर से यानी कि शोल्डर की साइड से स्लीव के इस तरह हम 2 इंच छोड़ते हुए इसे रखेंगे। तो आधा इंच देखिए सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पर 1.5 इंच बचेगा। और देखिए, निशान को बिल्कुल यहाँ से निशान बनाया है, अच्छे से मिलाते हुए रखना है ताकि डिजाइन बिल्कुल बराबर से बने। तो देखिए, हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई देखिए हम बिल्कुल बुकरम के पास से लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। सिलाई लगा दी है, अब इसे यहाँ से कट कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा कपड़ा बचाते हुए ही कट करना है, बिल्कुल बराबर से नहीं कट करना है। तो इस तरह देखिए, कट करने के बाद कट लगा देंगे। देखिए, कट लगाने के बाद इस तरह अंदर की तरफ से पलट देंगे। किस तरह अंदर की तरफ पलटने के बाद इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे, या तो आप प्रेस कर दें तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। देखिए, जो हम इसके डिजाइन के अंदर कपड़ा लगाएंगे तो वो हम इस कलर से लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से ब्लाउज स्लीव की मैचिंग के हिसाब से कपड़ा ले सकते हो, जिस कलर से बनाओ। तो देखिए, इसको हम डबल फोल्ड करके ले लेंगे और हिसाब से ही इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके लिया है और इस तरह देखिए, इसको रखना है डिजाइन को। कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही लेना है, यानी कि दोनों साइड में ये आधा आधा इंच ज्यादा ही रहना चाहिए। और देखिए, इसको बराबर से मिलाते हुए रख देंगे और रखने के बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह देखिए, हमने अच्छे से सिलाई इस पर लगा दी है। अब देखिए, अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड से जो कपड़ा ज्यादा है उसे कट करेंगे और
और देखिए यहाँ पर आधा इंच बचाते हुए ही कट करना है, बिल्कुल बराबर से नहीं कट कर देना है। इस तरह देखिए इसे कट कर दिया है। देखिए हमने जो डिजाइन का बनाने के लिए कपड़ा लिया था उस कपड़े पर और इस कपड़े पर बाद में इस तरह मुड़ते हुए तुरपाई लगा देना है। तो अब देखिए इस पर हम सेंटर मार्क करेंगे, यहीं से हमें बटन लगाना है तो थोड़ा सा इस पर हम निशान बना लेंगे ताकि बटन बिल्कुल बराबर से लगे। इस तरह देखिए हम बटन लेंगे, तो इसको हमने स्लीव्स के कपड़े से ही बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हमें चार बटन लगानी है, तो बराबर दूरी से हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए तीन बटन हमने बना ली है, एक बटन हम आपको बनाकर बताएंगे किस तरह से इसे बनाना है। तो देखिए बटन बनाने के लिए हम बटन लेंगे और इसी कपड़े पर अंदर की तरफ से बटन को रख लेंगे। देखिए कपड़ा पतला है तो हमने एक कपड़ा और लिया है, यानी कि डबल फोल्ड करके ले लीजिए। और इस तरह से इसको बटन को कपड़े पर लपेट लेना है। फिर यहाँ पर देखिए धागे को बहुत ही टाइट से घुमाना है ताकि जो कपड़ा हम कट करें तो वो खुले ना। अब देखिए जो ज्यादा कपड़ा है उसे कट कर देंगे, तो कट करने के बाद ये खुलेगा नहीं। यहाँ पर हमने अच्छे से घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा दी है। इसी तरह से देखिए हमने बटन को बनाया है, तो इसी अब देखिए इसको इस तरह से बराबर दूरी पर चारों बटन को लगा देना है। तो देखिए बटन लगा दी है, डिजाइन बन गई है। तो देखिए नीचे की साइड यानी मोहरी की साइड में भी हम इसी कपड़े से पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तुरपाई के हिसाब से 1 इंच कपड़ा कट किया था, तो आधा इंच कपड़ा हम निकाल देते हैं, नहीं तो हमारी स्लीव बड़ी हो जाएगी। सिर्फ 1.25 इंच की इसकी लंबाई रखनी है, इसलिए देखिए हम आधा इंच कपड़ा कट कर दे रहे हैं। तो देखिए पाइपिंग बनाने के लिए इस तरह से हमने पट्टी कट कर ली है। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधे ही कपड़े पर पट्टी कट की है। अब देखिए इस पर इस तरह से पाइपिंग बना देंगे। इस तरह देखिए पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए मोहरी पर पाइपिंग बना दी है। तो देखिए अभी हमारी डिजाइन बन गई है, तो बहुत ही इजी स्लीव डिजाइन है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।